अब जेजेपुर में आप जाके ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करना था आपने नहीं किया, ठीक जी है, आपकी गलती थी, आप जानो। क्यों उसके बाद हमने अमेंडमेंट का एप्लीकेशन दिया। देगा आप, क्यों देंगे? अंडर विच अथॉरिटी यू विल मूव एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट? आपका अधिकार है क्या? इज इट योर फंडामेंटल राइट? उसके बाद अनेक पी टू में प्लीज ऑर्डर टेल भी हुआ है मी माय लॉर्ड। मिस्टर काउंसिल, प्लीज टेल मी, आपका फंडामेंटल राइट है क्या? पढ़ाना लिखाना है नहीं, तनख्वाह ले, बस फोकट का काम करना है, तनख्वाह। आपको यहाँ पोस्टिंग में दिक्कत है, चलिए ठीक है, और बताइए, उसके बाद माय लॉर्ड और बताइए। उसके बाद माय लॉर्ड P3 देखेंगे 4/9/2023 को अमेंडमेंट सारा कैंसिल कर दिए। बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद हमने सारा पिटीशन लगाया, वो कैंसिल बस में किसके कर पिटीशन रहे हो? लगाया हमने। हाई कोर्ट का क्या डायरेक्शन हुआ था बताइए जरा। हाई थोड़ा कोर्ट में ज्वाइनिंग करने का डायरेक्शन है माय लॉर्ड, एनेक्सर P4 में देखेंगे। धीमे आवाज में धीमे करें मिस्टर काउंसिल, जी। आपसे ऊंची आवाज हमारी आती है। जी बेसिक चीज समझने का प्रयास करें आप लोग, अभी उम्र बहुत कम है, यात्रा लंबी है। आपको क्या लगता है हम फाइल पढ़ के नहीं आए? आप जब सब्सिक्वेंटली ज्वाइन कर लिए हो तो इस ऑर्डर को, जजमेंट को मैं कैसे लगा दूंगा, ये बता दो आप। बेसिक चीज समझा करो, सर्विस लॉ इतना टेक्निकल, आप लोग को सर्विस लॉ को मजाक लग रहा है? उम्र बीत गई थी तब भी हमको सर्विस लॉ समझ नहीं आता है ये क्या भाई? हाँ उपरोड़ा जिला कोरबा हो गया, जी। और आइटम नंबर 5 में माय लॉर्ड ही हैज जॉइंड एट पूर्व माध्यमिक शाला रायपुरा विकासखंड जयजयपुर जय जिला शक्ति। हो गया, ज्वाइन हो गया, फिर क्या बस है? माय लॉर्ड उस टाइम पे जब ज्वाइन किए थे उस टाइम पे सैलरी नहीं मिली थी, अब मिल रही है ना? क्यों इसलिए ज्वाइन करना पड़ा। हम लोग को जो अमेंडमेंट स्कूल है उसमें चाहिए माय लॉर्ड। अमेंडमेंट जो स्कूल में करेंगे? जो ऑर्डर हुआ है 5/12/2023 क्यों को करेंगे अमेंडमेंट स्कूल में? किस 2023 के हिसाब से भाई सबको ज्वाइनिंग मिल चुका भाई ऑर्डर। भाई, यहाँ पे पहली बार आपको, पहली बार ऑर्डर कहाँ किया था? पहली बार ऑर्डर कहाँ किया था बताइए? पहले हमारा केशकाल हुआ था, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ हाँ हमारा एक मिनट गवर्नमेंट भाई, इनसे पूछ रहे हैं ना, फिर उनसे पूछेंगे आपसे। कहाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रायपुर है आपका ऑर्डर का बताइए। जी। एनेक्सर P1 देखेंगे माय लॉर्ड, P1, 8 पेज नंबर 8 हाँ उसमें हाँ रायपुरा हुआ था। कहाँ है? हाँ प्रमोशन के बाद पेज नंबर 8 में रायपुरा विकासखंड जयजयपुर और जिला हाँ शक्ति। हाँ उसके ठीक बाद है। अमेंडमेंट हुआ था माय लॉर्ड 5/6/2023 को, हाँ जिसमें पूर्व माध्यमिक अच्छा, आप शाला यहाँ ज्वाइन चौरा कब फाटा किए थे? मिला, अच्छा यहाँ ज्वाइन कर लिए थे आपने? चौरा फाटा में ज्वाइन कर लिए थे। कहाँ कहाँ? प्राथमिक विद्यालय रायपुरा जयजयपुर में जो ज्वाइन कर लिए क्या? यहाँ से हम लोग यहाँ ज्वाइन नहीं किए थे माय लॉर्ड, यहाँ पदोन्नति आपको हुआ था। पदोन्नति होकर कहाँ भेज रहा है ये बताओ। पदोन्नति होके पदांकित का नाम भी रायपुरा तो जयजयपुर और शक्ति भेजा है ना, तो जी, वहां ज्वाइन किए कि नहीं किए? नहीं क्यों किए। नहीं किए? उसके बाद अमेंडमेंट के लिए हमने एप्लीकेशन दिया। क्यों दिया आपके एप्लीकेशन? आप ये बताओ, पहले यहाँ ज्वाइनिंग करने का था तो यहाँ ज्वाइन कर लिए क्या? उसके बाद हमने माय लॉर्ड वही मैं बता रहा हूँ प्लीज टेल मी मिस्टर कौंसिल, जी। अगर ये व्यू है कि सब एक बार ज्वाइन कर चुके हो तो सबको, सारी बेंचों ने ये बोला है कि ज्वाइन कर ली तो उसको इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे बाद में सब्सिक्वेंटली ये ज्वाइन कर लिया आपने, पर ये आपको पता करना पोस्ट था प्राथमिक माध्यमिक शाला रायपुरा जयजयपुर, ठीक है? अब जयजयपुर में आप जाके ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करना था आपने नहीं किया, ठीक जी है, आपकी गलती थी, आप जानो। उसके बाद हमने अमेंडमेंट का एप्लीकेशन दिया क्यों माय देगा आप, लॉर्ड। क्यों देंगे? अंडर विच अथॉरिटी यू विल मूव एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट? आपका अधिकार है क्या? इज इट योर फंडामेंटल राइट? उसके बाद अनेक P2 में प्लीज ऑर्डर टेल भी हुआ है मी माय लॉर्ड। मिस्टर काउंसिल, प्लीज टेल मी, आपका फंडामेंटल राइट है क्या? जहां नौकरी मिलेगी वहां जाना पड़ता है, ये नियम है, जी माय लॉर्ड, तो आप ये बताइए आपका फंडामेंटल राइट है क्या, पहले बताइए। एप्लीकेशन देने का अधिकार तो सबको होता है दिया माय। एप्लीकेशन? यस एप्लीकेशन हमने दिया। एप्लीकेशन के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भी पास कर दिया कि हमारा जो इनके माध्यमिक इनके शाला टीचर की चौरा भाटा में डिसिप्लिन होना एक्शन चाहिए। इंक्वायरी करी तो इनका इंक्वायरी कीजिए, डिसिप्लिन देख। पढ़ाना लिखाना है नहीं, तनख्वाह ले, बस फोकट का काम करना है, तनख्वाह। आपको यहाँ पोस्टिंग में दिक्कत है, चलिए ठीक है, और बताइए, और बताइए। उसके बाद माय लॉर्ड P3 देखेंगे 4/9/2023 को अमेंडमेंट सारा कैंसिल कर दिए। बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद हमने सारा पिटीशन लगाया, वो कैंसिल बस में किसके कर रहे पिटीशन हो? लगाया हमने। हाई कोर्ट का क्या डायरेक्शन हुआ था बताइए जरा। हाई थोड़ा कोर्ट में ज्वाइनिंग करने का डायरेक्शन है माय लॉर्ड, एनेक्सर P4 में देखेंगे। धीमे आवाज में धीमे करें मिस्टर काउंसिल, जी। आपसे ऊंची आवाज हमारी आती है। जी हाँ उसमें क्या लिखा? 4/9/2023 का जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिए, और हाँ जितने भी पिटिशनर थे उनको सबको ज्वाइनिंग करने का आदेश आप पारित जरा किया। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर पढ़िए जरा। दी रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू अलाउ दी पिटिशनर टू ज्वाइन एट देयर प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेयर दे हैड ज्वाइंट पर्सुएंट टू द ऑर्डर पास बाय दी कंसर्न जॉइंट डायरेक्टर्स, ठीक है? ये जजमेंट आपको लगता ही नहीं है, बेसिक चीज समझिए आप लोग, जी ये जजमेंट आपको लगता ही नहीं है। आप जिसको जयजयपुर जाने से, आप अपनी वॉलंटरी आपने एप्लीकेशन दिया, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपके मामले में इंटरफेयर नहीं किया था, आप स्वयं किए थे इंटरफेयर, तो कैसे लगेगा जजमेंट? बेसिक चीज समझने का प्रयास करें आप लोग, अभी उम्र बहुत कम है, यात्रा लंबी है, समझे जी भाई ना? आपको क्या लगता है हम फाइल पढ़ के नहीं आए? दी रिस्पॉन्डेड और डायरेक्टेड अलाउ द जॉइन एट देयर प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेयर दे हैड जॉइंट पर्सुएंट टू द ऑर्डर पास बाय द कंसर्न जॉइंट डायरेक्टर। आप स्वयं अपने आपके आवेदन दे रहे हो,
और सख्ती में आप रहना नहीं चाहते हो, तो और उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया, तो इस जजमेंट को मैं कैसे लगा के ऑर्डर कर दूं ये बता दीजिए, जी कैसे अरे लगेगा आप समझा दीजिए, मैं मान जाएंगे आपकी बात। बैठ मिस्टर काउंसिल, इसे तो समझ ले हमको कैसा लगता है कानून, फिर आपसे भी पूछेंगे, बता दीजिए। जो जॉइंट डायरेक्टर माय लॉर्ड वहीं से एनदर P2 का आदेश हुआ था और पहला ऑर्डर वही किसका था, पहला ऑर्डर किसका था, जॉइंट डायरेक्टर का हाँ ना, जी कोर्ट ने क्या बोला है कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर का ऑर्डर है जहां पे आपने ज्वाइन कर लिया उसको मेंटेन किया, ठीक है, हमने भी वही ऑर्डर पास किया है कि एक बार अगर ज्वाइंट डायरेक्टर ने कर दिया, ज्वाइन कर लिया तो बार बार आप तमाशा मत करो। जी अब आप ये बताइए, आपके यहाँ तो जमाना ज्वाइन करने की आपने चेष्टा ही नहीं की, अभी आप सब्सिक्वेंटली यू आर ज्वाइन, आप जब सब्सिक्वेंटली ज्वाइन कर लिए हो तो इस ऑर्डर को, जजमेंट को मैं कैसे लगा दूंगा ये बता दो आप, बेसिक चीज समझा करो। सर्विस लॉ इतना टेक्निकल, आप लोग को सर्विस लॉ को मजाक लग रहा है, उम्र बीत गई थी तब भी हमको सर्विस लॉ समझ नहीं आता है, थोड़ा जी समझने का, कानून समझने का प्रयास करें, कैसे लगेगा आप बता दीजिए, हम आपकी बात मान जाएंगे। बस एक हम्बल सबमिशन था हमारा, ज्वाइंट डायरेक्टर ने ही एनेक्सर P2 को ऑर्डर किया था और इस ऑर्डर के हिसाब से जितने भी 2723 पिटिशनर्स 27 थे लोगों से मतलब नहीं है, आप तो अपनी केस की फैक्ट्स बताइए पहले। और 2723 में हम भी थे माय लॉर्ड नो नो नो, आप बताइए आपका इस जो ट्रांसफर ऑर्डर था, पहला वाला ऑर्डर था जी 19/15/5/2023 का, उसको आपको उसको उसने कब कैंसिल किया ये बताइए, उसको कैंसिल किया कैंसिल फिर नहीं किया गया अमेंडमेंट क्यों होगा, फिर क्यों होगा बताइए, सिंस द पिटिशनर हैज ऑलरेडी जॉइंड द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन परसेंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय द जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन बिलासपुर एज इन द प्राइम एज अ हेड मास्टर इन द प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी मिडिल स्कूल रायपुरा जयजयपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जयजयपुर डिस्ट्रिक्ट शक्ति, नथिंग कैन बी डन एज दिस कोर्ट हैज ऑलरेडी ऑलरेडी डायरेक्टेड फॉर नॉट टू डिस्टर्ब द पोस्टिंग ऑफ द टीचर्स इन WPS नंबर 95/9151/2023 एंड अदर कनेक्टेड केसेस as the this court has the coordinating bench of this court has passed the following order, the respondent are directed to allow the petitioner to join at their previous place of posting where they had joined pursuant to the order passed by the concerned joint director, this exercise shall be done within a period of 10 days from today, learned na, since he has already joined nothing is required to adjudicate in this case, there is precedent says by the मतलब एक हम्बल सबमिशन है, दो तीन केस और है जो लगे हुए नहीं है लेकिन सेम सेम आज बता दीजिएगा जिस दिन इस कोर्ट ऑर्डर मैं दे नंबर दे देता हूँ, नंबर दे दीजिएगा सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर।